सुनने पड़ते हैं जिनके लेक्चर हम चटोरे भी अपने ढेर सारी मस्ती और शरारतों से जिन्हें करते हैं बहुत ही ज्यादा टॉर्चर जिनके साथ होता है हमारा हर डे फंडे और बदमाशी मस्ती करने पर कभी कभी लगा देते हैं जो जोरदार डंडे हर बार हैप्पी टीचर्स डे। सुबह सुबह के बजे 3 और मेरी हो गई गुड मॉर्निंग। डेली 6:30 बजे तक घोड़े बेचकर सोने वाली मैं चटोरी इतनी सुबह सुबह उठी क्योंकि यार आज है 5 सितंबर मींस टीचर्स डे, तो कुछ स्पेशल करना तो बनता था ना। वैसे आप लोगों ने अपना टीचर्स डे कैसे सेलिब्रेट किया बताना जरूर। आज इंडिया के ग्रेट टीचर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का दिन था तो उन्हें श्रद्धांजलि देना तो बनता था, बट मेरे पास ना उनकी कोई भी फोटो नहीं थी तो मैंने अपने यादों से उनकी एक प्यारी सी ड्राइंग तस्वीर बना ली एंड अच्छे से कलर कर लिया। जैसा भी बन पाया यार अपनी ओर से 100% देते हुए बनाया। वैसे आप लोगों को कैसा लगा मेरी बनाई हुई उनकी ये प्यारी सी ड्राइंग कमेंट करके जरूर बताना। Sand in your feet, feel the breeze in the summertime. Stars in the sky, one dime for the first time. Moving away to the sea, moving away, can't you see? We'll drink any by the ocean, you see. There won't be one more time, so we gonna do this tonight. अब ये जो रायता फैलाया है means अपनी सारी stationery and सारी चीजों को अच्छे से कर लेते हैं set and organize, वरना यार मेरी मम्मा ना मार मार कर मेरी देगी। मैंने ना YouTube से ही देखकर टीचर्स डे स्पेशल हमारे प्यारे प्यारे सभी टीचर्स के लिए कुछ अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी 2-3 लाइंस लिखी एंड एक छोटी सी प्यारी सी कविता बनाई। जिंदगी काली थी ना रंगों का ठहराव था, जिंदगी तो उजागर तब हुई जब इसमें गुरु नाम का भी एक भाव था। जिंदगी गिरवी रख कर भी ना चुका पाएंगे जिनका कर्जा, माँ ही नहीं भगवान के बराबर गुरु का भी है उतना ही महान दर्जा। कभी डांट कर इसमें प्यार जताया, कभी रोक टोक कर चलना सिखाया, काली स्लेट पर चौक से उज्जवल भविष्य का सूरज उगाया, ढाल बन करके हर मुश्किल से बचाया, कभी हक के लिए लड़ना सिखाया, कभी गलती बताकर तो कभी गलती छुपाकर एक सच्चे गुरु का फर्ज निभाया, माता पिता बनकर दी सलाह तो कभी दोस्त बन हौसला बढ़ाया। आज कहते हैं उन टीचर्स को बड़ा सा थैंक यू जिन्होंने हमें इस काबिल बनाया। गुरु वही जो जीना सिखा दे, आपकी आपसे पहचान करा दे, तराज दे हीरे की तरह तुमको, तुम्हें एक अच्छा इंसान बना दे, जिंदगी के रास्तों पर चलना सिखा दे। तो भैया कविता भी हो गई डंडना डंडन। वैसे आप लोगों को कैसी लगी ये पोयम? आई होप कि मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली को डेफिनेटली पसंद आई होगी। हमारे स्कूल में ना उतनी धूमधाम से लाइक बहुत ही ग्रैंड तरीके से हम लोग पहले सेलिब्रेट किया करते थे। टीचर्स के लिए बहुत ही प्यारे प्यारे गिफ्ट्स लाते थे, बहुत सारे परफॉर्मेंस वगैरह होते थे। बट इस बार हो रहा है चटोरो? नहीं नहीं हो रहा है। तो हम चटोरो ने सोचा है ना कि हम लोग घर पर ही थोड़ा सा सेलिब्रेट करेंगे। हां, तो सब मस्त रेडी होकर सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है भाई? बताना।
तरीका है भीख मांगने का? ये लो भैया चटोरी टकली नैना के लिए छोटू सा पकोड़ा। और हाँ भाई बहन जी फटाक से ना चोरी चोरी चुपके चुपके चट कर जाओ, बड़ी मुश्किल से मम्मी से छुपा कर लाई हूँ। खा के बताओ ना बहन जी कैसी बनी है? बहुत अच्छी है। अच्छी है, यम्मी है ना? हाँ। और स्पाइसी है क्या दादी? नहीं सच में स्पाइसी नहीं है। खा के तो अच्छी है। नहीं भाई तुम चट कर जाओ। कहते हैं ना मम्मी से और ठूस ठूस कर मिर्ची डलवानी पड़ेगी। हे भगवान इतना छोटू सा, वाह भाई वाह, इसमें तो मेरा हांडी जैसा पूरा पेट ही भर जाएगा। अच्छा ये खा लो, मारूंगा टकलू। उधर भैया मेरे बापूजी के तीनों चटोरे बंदर तो रेडी हो रहे हैं अपने अपने टीचर जी को सेलिब्रेट करने के लिए स्कूल जाने के लिए। और इधर मैं भी गधी अच्छे से नहा धोकर रेडी हो चुकी हूँ। तो चलो घर में हम जो छोटू सा प्यारा सा सेलिब्रेशन करने वाले हैं उसकी जितनी भी सारी तैयारी है फटाक से मैं काम चोर कर लेती हूँ, क्योंकि यार जल्दी करना होगा ना, चटोरों को स्कूल जो जाना है। खा लेना फटाक से। झूठ बोलता है, इसमें देखता हूँ क्या पहन के आ गया। एक काम करेगा एक गधा, अगर ये बच्चे को देखेगा सारे बच्चे नए नए कपड़े पहन के आए तो ये भी घर आके फटाक से चेंज कर लेगा। ठीक है टकलू चेंज कर लेना। ठीक है बाबू। लो भैया अभी रेडी किया और पैंट खोल कर भाग गया। कहाँ गधे की सिंह की तरह गायब हो गया? पॉटी करने। सबसे गंदी आदत पता है इस चटोरी की क्या है? अच्छे से नहा धोकर पहले तो रेडी हो जाएगा स्कूल जाने के लिए और एंड टाइम में चला जाएगा पॉटी करने। हमारी प्यारी सी चटोरी धन्नो भाई और टकली नैना भी अच्छे से नहा धोकर रेडी हो चुकी है। कैसे लग रही हो? एक नंबर की सुंदरिया, जैसे तुम डेली लगती हो। नहीं बाबू बहुत क्यूट लग रही हो। किसी बात पर लाइक कीजिएगा। क्या कर दीजिएगा? लाइक। लाइक टकली नैना के दांतों को तो देखो कैसे हुई, खरगोश जैसे लंबे लंबे खरगोश जैसे दांत है इसके, दिखा दो भैया। और इधर देखो मेरे बाबूजी के तीनों चटोरे बंदर और पापा सब अच्छे से नहा धोकर रेडी हैं। तो अभी ना मेरी छोटी सी प्यारी सी पूरी फैमिली मिलकर सेलिब्रेशन करेगी छोटी सी, और हम लोग अपने डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्ण जी को याद करते हुए उन्हें पुष्पांजलि और श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। ठीक है भाई चटोरो। अच्छा भैया तो चलो फटाफट करते हैं। वाटर बोतल और लंच बॉक्स ले लिया ना, तो फिर बैग क्यों ले जा रहा है बता? किसमें ले जाऊंगा? अच्छा एक्साइटेड है टीचर्स डे के सेलिब्रेशन के लिए? हाँ। चलते लेट हो गया ना, तुमको बहुत मारूंगा, लेट करवा दी थी। अच्छा भैया लेट करवा दी, इसको ले जाएगा तो क्या होगा बताओ तो? 50
रुपए दिया। अच्छा 50 रुपए दिया है, नाश्ता वगैरह ठूस कर आएगा ना, अच्छे से पैसे भी तो वसूल करने हैं। चलो भाई पापा का भी आशीर्वाद ले लिया ना, हाँ। क्योंकि पापा मम्मी हमारे पहले टीचर होते हैं। पूरी फैमिली ने मिलकर साथ मिलकर डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्ण जी को पुष्पांजलि अर्पित किया, उन्हें याद किया एंड अच्छे से सेलिब्रेट किया। तो बस ऐसे ही छोटू सा प्यारा सा हमारा सेलिब्रेशन था। हमारी लाइफ में तो कई सारे टीचर्स होते हैं, है ना छोटूरो? हाँ। सबसे पहले टीचर हमारे कौन होते हैं? हमारे मम्मी पापा, जो हमें चलना खेलना कूदना सारी चीजें सिखाते हैं। आपकी लाइफ में जो भी आपको अच्छी अच्छी बातें सिखाता हो, जो भी आपको मोटिवेट करता हो, जैसा कि आप लोग भी हमारे लिए हमारे टीचर से कम नहीं है। ये भगवान इतना छोटू सा कौन देता है, किधर गया, किधर गया, इतना छोटू सा कौन देता है, किधर गया, निकालो ना बाबू, ऐसे नहीं करते, मम्मी पापा का स्पाइसी नहीं है। तो मम्मी से मिर्ची डलवानी होगी स्पाइसी बनाने के लिए। और इधर देखो हमारी प्यारी सी चटोरी बहन जी, गरम गरम पकौड़े, हां जो कि मेरे हैं, मेरे हैं। खुद तो 2.5 किलो मेरे को पोती लेती है अपने थोपड़े पर। गरम गरम पॉपकॉर्न। अच्छा वहां स्कूल है, बहुत बहुत दूर है। तो चटोरी बहन जी कौन बोलता है? टकलू भैया। नहीं नहीं मैं दीदी। अच्छा भैया, हां टकलू भैया, सभी को स्कूल के लिए भी तो लेट हो जाएगा, लेकिन स्कूल तो खुले हैं ना चटोरो? Stars in the sky, one dime for the first time. Moving away to the sea, moving away, can't you see? We'll drink any by the ocean.